हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 17 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एक्सेलरेटेड मोशन। और देखिए, एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड कहीं स्पीड की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, प्रोग्रेस की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही डेडिकेशन, बहुत ही डिवोशन, बहुत ही फोकस के साथ अपने काम को करने की बात करता है। कहीं मॉनेटरी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड एक गेन, एक फ़ायदे की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, एक्सेलरेटेड मोशन के हिसाब से देखें तो एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रहा है। और ये मूवमेंट सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत तेज़ी से आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, लिटरली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस भी प्रोजेक्ट में आप हैं या फिर जो भी काम आप कर रहे हैं उसकी डेडलाइन बहुत नज़दीक है। और अगेन, आपको बहुत स्पीड से काम करना पड़ रहा है। और देखिए, डीपर लेवल पर ग्रोथ और प्रोग्रेस पर आपका ज़्यादा फोकस है। और देखिए, सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, मॉनेटरी, पैसे, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड एक गेन, एक फ़ायदे की बात करता है। और हो सकता है कि टीम वर्क में आप कोई काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और फिर से देखिए, एक डेडिकेशन, डिवोशन भी रहती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल आपके प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज काफ़ी अच्छी रह रही हैं। जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से एक काफ़ी सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज हो सकती हैं। और यही सपोर्ट, यही कोऑपरेशन आप भी अपने टीम मेंबर्स के लिए रखते हुए दिख रहे हैं। और अगेन देखिए, मिल के कोई काम या तो आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। और देखिए, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी तरीके के सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन की बात करता है। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी, ये जनरल रीडिंग है तो ये सेलिब्रेशन, ये गेट टुगेदर सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ के लिए लिटरली अगेन सेलिब्रेशन हो रही है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग पे ज़्यादा फोकस है। आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन के ऊपर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है, कहीं माइंड से चीज़ों को डील करने की बात करता है, एक डिटैचमेंट रखने की बात करता है, कम्युनिकेशन में किसी लेवल पर सरकास्टिक भी होने की बात करता है। और देखिए एक्वेरियस, या तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई इंसान ऐसी एनर्जीज़ के हैं। और देखिए, अगर आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं एक्वेरियस, तो आप चीज़ों को इन्जॉय कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ही क्लैरिटी भी बहुत ज़बरदस्त आप अपने माइंड में रखते हुए दिख रहे हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्या आपका मकसद है। और कहीं फिर से मैं कहूँगी कि आप लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप माइंड से ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं, एक डिटैचमेंट भी किसी लेवल पे किसी तरीके की आप रखते हुए दिख रहे हैं। और अगर ऐसी एनर्जीज़ वाला कोई इंसान आपकी लाइफ में है तो उनकी तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज़ आपके लिए इस वीक रह रही हैं। लेकिन साथ ही साथ देखिए, हो सकता है कि उनका कम्युनिकेशन थोड़ा सा सरकास्टिक हो रहा है।
एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए लव अबाउंस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि जो भी पुरानी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, इस वीक ज़रूर उनको आप लेट गो करें, और कैसे एक नई बिगनिंग आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं, कैसे नए सिरे से आप चीज़ों को शुरू कर सकते हैं जिसकी वजह से एक खुशी, एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आए, आप उस पे ही इस वीक फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से येल्लो कलर इस वीक आपके लिए लकी रह सकता है, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था एक्वेरियस आपके लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।